सर ये सांस लगी है। हाँ बेटा सांस है तो हर कोई दमाद परेशान है, कहाँ करे बेचारा, काम तो चलाना ही पड़ेगा। अब ऐसी सांस है भैया, झेलना पड़ेगा। अब इनको सांस से दिक्कत नहीं है भैया, इनको तो बगैर धुआं से दिक्कत है, बेचारा बोल नहीं पा रहा था। अब भैया सुबह सुबह का समय था, कंटोपा लगाए हुए हमको सस्सी कांत मिल गया कचरा फैक्ट्री के पास है, यहाँ कचरे का अंबार लगा भैया। 48 घंटा पहले आग लगी थी, इसको बुझा दिया गया, लेकिन अब इसे जहरीली धुआं निकल रही है। अत नहीं भयानक धुआं है कि कांपता है, आदमी बेहोश हो जाए, बच्चों को दिक्कत हो जाए और बाप परेशान हो जाए। सुनो सस्सी कांत का बता रहा था कि भैया देखो 48 घंटा बीत गए हैं, इका बुझावा हुआ है, लुक के बावजूद धुआं निकल रहा। और मेरे पिताजी भी सांस की बीमारी, तो उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में। और मेरी लड़की भी इसी SRM स्कूल में पढ़ती है, तो वो भी स्कूल नहीं जा पा रही, मैंने उसको आज स्कूल जाने से मना कर दिया है। बहुत दिक्कत है घर में सांस लेना, घर के अंदर भी सांस लेना दुर्भर हो रहा है। थोड़ा बहुत कोशिश किया, लेकिन हमें लगता है थोड़ी अगर और कोशिश करेंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा आसानी होगी। अब सशिकांत जैसे बहुत लोग हैं भैया जो बहुत परेशान है कि देखो साहब सांस लेने में दिक्कत होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बाप की अलग समस्या है, बाप है बताओ साहब क्या करें, किसे गुहार लगाएं। हम उम्मीद करते हैं कि DM साहब देखेंगे, ADM साहब देखेंगे, EO साहब देखेंगे और कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। देखो बाराबंकी जिले ककरैया के पास भैया बहुत सालों से पहले से यूं कचरा फैक्ट्री बसा पड़ा है, यहाँ हर बार भैया कचरा मशीन चलती है तो स्थानीय लोग परेशान हो जाते हैं। कहे के लिए जब से प्लाटिंग शुरू भाई आबादी बढ़ गई, तब से भैया लोगों की समस्या बढ़ गई कि देखो भैया यहाँ कचरा फैक्ट्री है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब आबादी बढ़ गई है तो भैया आबादी को तो हटाया नहीं जा सकता, तो कचरा फैक्ट्री हटेगा। उम्मीद करते प्रशासन देखेगा भैया कचरा फैक्ट्री हटाएगा। अब तो प्लाटिंग हो गई, जब प्लाटिंग हो रहा था तभी रोकना चाहिए था, तब किसी ने रोका नहीं। अब हो सके साहब तो ये कचरा फैक्ट्री को हटाएगी, स्थानीय लोग बहुत परेशान है और कोई जान वान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा, दूसरी खबर देख लेते, ज्यादा बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। जो स्वास्थ्य केंद्र सेंटर अब ये स्वास्थ्य केंद्र सेंटर है भैया, अरे भैया यू देखो हमका तो लगा सामुदायिक शौचालय, पानी बहा जा रहा था, कपड़े सूखे जा रहे थे और भैया कहूँ से हमका डॉक्टरों नहीं दिख रहे थे, पता चला डॉक्टर 1 महीना बाद आवत है। अब भैया सामुदायिक शौचालय नहीं, यू भैया हेल्थ सेंटर बना हुआ है, मामा उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के सदौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरायमीर का, यहाँ पर MSDP के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखो भैया, खंडर भूतिया हवेली लागत है, सामुदायिक शौचालय जैसा पानी बहा कर तनिक सुनो, यहाँ के स्थानीय लोग कहा बताते हैं कि डॉक्टर साहब आवत है महीने में एक बार हाजिरी लगा के चले जाते हैं, गंदगी का अंबार देखने मिल रहा है हुआ है। हाँ यहाँ पर डॉक्टर कब कब आते हैं? डॉक्टर आते हैं 1 महीने में। 1 महीने में। और यहाँ पर क्या क्या कार्य होता है? अरे यहाँ होता का है, अब गंदगी फैली पड़ी भैया, आदमी आवत है कमरा खा करके थूक जाता है, कपड़ा छांट करके सुखा जाता है और का हुआ था, यहाँ ना तो इलाज होता है ना डॉक्टर साहब आवत है। हम तो कहेंगे भैया इसमें ताला लगा देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए, या सामुदायिक शौचालय बनाए दो, कम से कम भैया कोई कल्याण हो जाएगा, ज्यादा हम बोले तो बुरा लग जाएगा। देखो स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन लेते हैं और भैया CMO साहब का देखते हैं और देख करके कुछ कार्रवाई कीजिए साहब हो सके तो। पर फिलहाल बाराबंकी जम्मू उत्तर प्रदेश के लिए MSDP4 की बात, वीडियो शेयर डालू, चैनल को सब्सक्राइब करो, शिमला साहब।